राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु में आई वायुसेना की दो इकाइयों ने प्रेसिडेंट्स कलर सुकीनो प्रदान कयो जरूरत पड़वा माथे देश की रक्षा खातर उठाए जावाला जरूरी कदम। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पाकिस्तान रा बालाकोट माथे हवाई कार्रवाई माथे कयो मरवावाला री गिनती करनो नी है वायुसेना रो काम। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर बांसुर में सांसद कोसु बना सामुदायिक भवन रो कियो उद्घाटन कयो केंद्र सरकार री जनकल्याणकारी योजना में सुर लोगों ने मिल रो है घणो लाभ। आज श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाया जा रो है महाशिवरात्रि रो पर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीनी शुभकामनावा। और हनुमानगढ़ सु भटिंडा रेलखंड माथे विद्युतीकरण रो काम हुयो पूरो रेलवे सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्रा कीनो निरीक्षण भटिंडा खातर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी ने कीनो रवाना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप स्वागत और अब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु में आई वायुसेना की दो इकाइया ने प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान कीना। इन मौके राष्ट्रपति कहो कि भारत शांति खातर हमेशा प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़वा पर देश की रक्षा खातर जरूरी कदम उठाया जावेला। कार्यक्रम में वायुसेना रा जवान हैरत अंगेज कारनामा भी दिखाया। The Honorable President of India, a man of academic inclination, October 1945 in Parong, near Uttar Pradesh. Nishan, receiving the President's colors on behalf of Air Force Station Hakimpet is Air Commodore R.K. Oberoi, and the Nishan bearer is Squadron Leader Ishan Mishra. India's growing stature in the committee of nations is consistent with the strength and capabilities of our armed forces. India remains firmly committed to peace, but in case the need arises, we will use all our might to protect the nation's sovereignty. Our armed forces, exemplified by their air warriors who stand before us, reflect our firm resolve to defend our nation. Their valor and professionalism was on display very recently as the Indian Air Force carried out preemptive strikes on a known terrorist camp. इस मौके पर वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और आसमान में विमानों ने कर्तव्य दिखाए। The unique aspects that go into आप सभी का इस ऐतिहासिक समारोह में स्वागत करती हूं। भारत रा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पाकिस्तान रा बालाकोट माथे हवाई कार्रवाई माथे कयो है कि लक्ष्य माथे अचूक निशानो लगायो गयो है और मरबा वाला री गिनती करनो वायुसेना रो काम नहीं है। वायुसेना प्रमुख कहो कि यदि जंगल में बम गिराया जाता तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्यों करतो, वना पाकिस्तान री हवाई कार्रवाई रो जवाब देवा खातर मिग 21 बाइसन रो इस्तेमाल कराया जावा बाबत कहो कि इन अपग्रेड करो गयो है और इन रो राडार बेहतर है। टारगेट हैज बीन क्लियरली एम्प्लीफाइड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी इन हिज स्टेटमेंट एंड ऑफ कोर्स इफ यू प्लान टू हिट द टारगेट वी हिट द टारगेट अदरवाइज व्हाई वुड ही हैव रिस्पोंडेड। ही हैड ड्रॉप्ड बॉम्ब्स इन द जंगल देयर नो नीड फॉर हिम टू रिस्पोंड। MiG-21 Bison is capable, it has been upgraded, it is not the old MiG-21 bis, it's got a better weapon system, it's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receiver, chaff, flares, whatever it takes to make it from third generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft and we fight with all the aircraft in our inventory.
केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर काल बांसूर में कई कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री सांसद कोसू बने सामुदायिक भवन रो उद्घाटन भी किनो। इन मौके वाणा कहो कि लाला पांच बरस में केंद्र सरकार का निशु शुरू करी गई जनकल्याणकारी योजना में घर घर पूगी है। देश की महिलाओं बुजुर्ग काश्तकार और युवाओं से सगला लोग इन योजना में सो फायदा उठा रहा है। साथ में अभी उद्घाटन करा हमने सामुदायिक भवन बांसुर का, बहुत शानदार बिल्डिंग है, यहाँ के लोगों के लिए सभी के लिए लाभदायक होगी। शादी ब्याह समाज के बैठने की व्यवस्था सब यहाँ पर है, खेल के मैदान भी तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे स्कूलों को और मजबूत करा जा रहा है, सड़कों तो पहले से ही मजबूत हुई हुई हैं आपकी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से ये ऐसी सरकार है केंद्र के अंदर जहाँ गाँव गाँव तक मजबूती पहुँच रही है और सरहद के पार भी मजबूती दिखाई दे रही है। देश और प्रदेश में आज महाशिवरात्रि रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनाया जा रहा है। आज सुवारे सो ही शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना कीनी। जयपुर का चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सुवारे सो ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इन मौके मंदिर में खास सजावट भी करी गई है। शिवरात्रि जो पर्व है वो भगवान भोलेनाथ का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था। शिवरात्रि का जो पूजा का विधान है वो रात्रि का विधान है। चतुर्दशी अर्धव्यापिनी होनी चाहिए। जिस दिन रात्रि को चतुर्दशी तिथि आती है उस दिन महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। आज सुबह से भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा हुआ है, दर्शनों की व्यवस्था है। जो व्यक्ति सेवा पूजा करने कर रहे हैं पूरे दिन भर चलेगा सेवा पूजा का क्रम। रात को चार पैर की पूजा होगी रात्रि में। मंदिर प्रशासन की तरफ से अलग से पूजा होगी, चार बार पूजा होगी, चार बार आरती होगी। और कल 56 भोग की झांकी का आयोजन किया गया है। शिवरात्रि के आज इस महापर्व पर मैं सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। देश में प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, सबके घरों में सुख समृद्धि हो, ऐसे में प्रभु से कामना करूँ। सुबह भक्तजन उठते हैं और जयपुर का मोती डूंगरी किला में स्थित एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर में भी आज श्रद्धालु वारी घनी भीड़ है। यह मंदिर साल में केवल शिवरात्रि दिन ही खोलो जावे है। इन प्राचीन मंदिर में भगवान शिव रा दर्शन खातर आधी रात से ही श्रद्धालुवारी कतार लागनी शुरू हो गई है जो आखा दिन चलती रही। एसीपी पुष्पेंद्र सिंह बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं खातर सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। शिवरात्रि पे जो मोती डूंगरी पे ये मंदिर है खाली शिवरात्रि के दिन ही खुलता है। रात की 12 बजे इसके पट को खोला गया था और अभी शाम को 5 बजे तक पट खुले रहेंगे। और पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है। आप नीचे भी देख सकते हैं कि अभी भी भीड़ GDS सर्कल तक इसकी लाइन लगी हुई है। और दो शिफ्टों में पुलिस की व्यवस्था लगाई गई थी। मापी पुलिस व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और 5 बजे बाद इसके पट पड़ेंगे। रात की 12 बजे से अभी शाम तक लगभग 5-1 लाख आदमी आने की संभावना है। राज्यपाल कल्याण सिंह महाशिवरात्रि रा पर्व रे मौके प्रदेश रा लोगों ने बधाई दीनी है। आपरा संदेश में राज्यपाल कहो कि महाशिवरात्रि रो पर्व आपसी सद्भाव और मानवता री सेवा करबारी याद दिलावे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी महाशिवरात्रि रे मौके प्रदेश रा लोगों ने बधाई और शुभकामनावां दीनी है और आस जताई है कि इन पर्व से लोगों रा जीवन में शांति और खुशहाली आवेला। मुख्यमंत्री प्रदेश रा लोगों से आह्वान कीनो कि वे सत्य प्रेम और भाईचारा री भावना से प्रदेश री उन्नति में भागीदारी करबारो संकल्प लेवे। हनुमानगढ़ से भटिंडा रेलखंड माथे विद्युतीकरण रो काम पूरो होबारे पाछे रेलवे रा सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्रा इनरो निरीक्षण कीनो। निरीक्षण रे पाछे वणा हरी झंडे दिखार भटिंडा खातर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी ने रवाना कीनो। बीकानेर रेलवे खंड रा DRM AK दुबे बतायो कि भटिंडा से हनुमानगढ़ ताई 92 किलोमीटर री लंबाई रा रेलखंड माथे विद्युतीकरण रो काम करो गयो है।
पत्र सूचना कार्यालय कानीसुकाल झुंझुनू में मीडिया सम्मेलन वार्तालाप कार्यक्रम राख्यो गयो। महकमारी अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड़ और सांसद संतोष शहलावत कार्यक्रम की शुरुआत की। सम्मेलन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र रे खबरनवीस शिरकत की। सम्मेलन रो मकसद भारत सरकार की योजनाओं बाबत जानकारी देनो हो। के क्षमता संवर्धन, उनसे फीडबैक प्राप्त करना व स्थानीय मीडिया को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से वार्तालाप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद संतोष अहलावत जी द्वारा किया गया। और शिवरात्रि रे मौके जयपुर केंद्रीय विद्यालय संख्या एक आवासीय परिसर स्थित शिव मंदिर में मूर्तियां री प्राण प्रतिष्ठा करी गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन रा उपायुक्त यशपाल सिंह बतायो कि दो दिन रा इन धार्मिक कार्यक्रम रे साथे मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी राख्यो गयो है। यहाँ पे शिव मंदिर था हमारे स्टाफ कॉलोनी के वी नंबर 1 के विद्यालय प्रांगण में, तो उसका कुछ मूर्तियों को हमने पुनः स्थापित किया है और उसका जीर्णोद्धार किया है। आज महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और महाशिवरात्रि के पर्व पे ये भगवान शिव जी की स्थापना की। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना करौली जिला रा गरीबा खातर वरदान साबित हो रही है। अब मधुमेह बीपी टीबी जेडी गंभीर बीमारियां रा उपचार खातर इन योजना रे तहत मुफ्त इलाज करो जा रो है। करौली जिला की मंडरायल पंचायत समिति रा गढ़ी गांवरा निवासी सीताबाई सियाराम और भगवान सिंह बतायो कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में वनारो मुफ्त इलाज करो जा रो है। जो सब सेंटर है ना, उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में बदला जा रहा है और लोगों को मेनली इसमें प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, मतलब एक प्रकार से रोगों से कैसे बचा जाए और किसी को अगर रोग है तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी उससे दूर किया जाए, योग और आसन द्वारा और कुछ एक मेडिसिन वगैरह इसके द्वारा इसमें मतलब लोगों को खूब फायदा दिया जा रहा है। खूब मिल रहा है भैया, आराम पर हुए हमने तो, और 2 महीना की दवाई थे ज़्यादा नहीं, मैं तो डॉक्टर की ले रही मैंने थे आराम मिल गया। गाँव में बहुत अच्छी सुविधा हो रही है और पहले जैसे करौली जाना पड़ता था तो बहुत लंबा पड़ता है हमको जाने में, अभी हमारे गाँव में ये अपना स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये इससे अच्छा बहुत लाभ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू डिजिटल लेन देन ने बढ़ावा देवारा मकसद सु शुरू कराया गया भीम ऐप सू लोग कैशलेस कानी बढ़ रहा है। भीम ऐप रे जरिए लोग छुट्टी रे दिन भी लेन देन कर रहा है। भीम ऐप रो उपयोग करनो घणो आसान है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र हर वर्ग खातर सस्तो इलाज मुहैया करावा माए कारगर साबित हो रही है। कोटा माए भी इन जनऔषधि केंद्र माथे जेनरिक दवाइयां कंपनीरी दवाइयां सू घणी कम कीमत माथे मिल रही है। इनके तहत 872 दवाई और 154 भांतरा सर्जिकल सामान मुहैया करवाया जा रहा है। अखिल भारतीय पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता रो समापन काल राजस्थान पुलिस अकादमी में करो गयो। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल विजेता टीम ने ट्रॉफी दी। 5 दिन तय चली इन प्रतियोगिता में कई राज्य री पुलिस और केंद्रीय बलारी 36 टीम रा 3000 खिलाड़ी शिरकत किया। इनमें राजस्थान ने कुल 16 पदक मिले है। और आखिर में एक खास समाचार एक फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तमिलनाडु में वायुसेना की 2 इकाइयों ने प्रेसिडेंट्स कलर्स किनो प्रदान कयो। जरूरत पड़वा माथे देश की रक्षा खातर उठाया जा वाला जरूरी कदम। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ पाकिस्तान रा बालाकोट माथे हवाई कार्रवाई माथे कयो मरवा वाला री गिनती करनो नी है वायुसेना रो काम। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बांसूर माए सांसद कोस्तू बने सामुदायिक भवन रो किनो उद्घाटन कयो। केंद्र सरकार री जनकल्याणकारी योजनाओं सु लोगों ने मिल रो है घणो लाभ। आज श्रद्धार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि रो पर्व। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दीनी शुभकामनाओं। रनमानगढ़ सु बटिंडा रेलखंड माथे विद्युतीकरण रो काम हुयो पूरो। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सुशील चंद्रा कीनो निरीक्षण। बटिंडा खातर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी ने कीनो रवाना। राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।